आज अपन डिस्कस करेंगे कैंसर क्या होता है। कैंसर के अंदर जो मल्टीपल ग्रोथ ऑफ द सेल होती है, जो एबनॉर्मल मल्टीपल ग्रोथ होती है सेल्स की, उसको अपन कैंसर कहते हैं। कैंसर में क्या होता है, जो कैंसर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। उसमें जो अपने जोड़ी कैंसर होता है, जो क्रैप होता है केकड़ा टाइप का, उसको अपन मतलब वो फैलता रहता है, जो उसकी ऑल डायरेक्शन में वो फैलता रहता है, इस वजह से अपन उसको कैंसर सेल कहते हैं। डिजीज़, जो उसकी डिजीज़ होती है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, ठीक है, उसकी वजह से अपन उसको कैंसर सेल कहते हैं। जो वर्ड है क्रैप, क्रैप का मतलब होता है टू मूव फास्ट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वो ऑल डायरेक्शन में फैलता रहता है। इसमें बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे ऑन्कोलॉजी क्या होती है। ऑन्कोलॉजी के अंदर अपन बोलते हैं कि स्टडी ऑफ द कैंसर, कैंसर की जो स्टडी की जाती है उसको अपन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर अपन एक वर्ड होता है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब होता है नियो मतलब न्यू, और प्लाज्म मतलब ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू। जो न्यू टिश्यू ग्रोथ हो रही है उसको अपन न्यू, इसके अंदर होता है एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ द बिनाइन एंड मेलिग्नेंट, इसमें कुछ भी हो सकता है उसको अपन नियोप्लाज्म कहते हैं। जो ग्रोथ हो रही है वो बिनाइन भी हो सकती है और मेलिग्नेंट भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स फॉर्मिंग अ मास ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनडिफाइंड मेलिग्नेंट सेल कॉल्ड नियोप्लाज्म या ट्यूमर। मतलब जो इसकी ग्रोथ हो रही है वो अनकंट्रोल्ड होती है। मतलब जो नॉर्मल से 80% तक इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो कैंसर सेल उसको ग्रीक वर्ड है, इसको कार्सिनोज एंड द लैटिन वर्ड इज द कैनकुन मीन्स द क्रैप। जैसा अपन मैं पहले बताया आपको, इसके अंदर होता है जस्ट लाइक अ क्रैप डज नॉट इजी लीव टू प्लेस व्हेन इज स्टिक, कैंसर डज नॉट इजी लीव ऑर्गन विद इट इफेक्ट। जो कैंसर की जो सेल्स होती है वो ऑर्गन को अफेक्ट करती है ईजीली, अफेक्ट मतलब अफेक्ट करने के बाद में ईजीली उससे मूव नहीं होती, रिमूव नहीं होती। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैकरा रॉग। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैंसर इज द ऑन्कोलॉजी। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं अपने कैंसर के, अपन ने कारण देखे कि इसके इटियोलॉजिक या इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। जो कैंसर है वो स्पेसिफिक नहीं है, अननोन अननोन कारण है, मतलब अपने को कारण पता नहीं है। जैसे रिसर्चर और जो सस्पेक्टेड होते हैं कैंसर में भी, इसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे वायरस हो गया, वायरस में कौन कौन सा हो सकता है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, हर्पीज हो सकता है एक्सेट्रा। जैसे केमिकल एजेंट हो गए, केमिकल एजेंट के अंदर अपन क्या क्या बोल सकते हैं, किन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। और इसमें अपन देख सकते हैं कि जैसे रिसेंटली जो वाइनिल क्लोराइड होता है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें यूज़ की जाती थी, उससे जो कार्सिनोजन एजेंट होते हैं उनकी वजह से भी आइडेंटिफाई रिसर्च की स्टडी से अपने को पता लगा है। फिजिकल एजेंट, कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सरे हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, आइटोट्रॉपिक हो सकते हैं। जो सनलाइट के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है वो फिजिकल एजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कैसे हो सकते हैं, हॉर्मोन्स कैन जो हॉर्मोन्स है वो कैंसर डेवलप कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डाई डेल्टा बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब अगर प्रेगनेंसी में एडमिनिस्टर कराया जाए, जो फीमेल चाइल्ड होगी, मतलब होगी उसमें क्या हो सकता है, उसको वेजाइनल कार्सिनोमा डेवलप करने में ये मदद करता है। फिर अपन ने ये देखा कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, मतलब अगर फैमिली में किसी को रेटिनोब्लास्टोमा या ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उस लेडी या उसके जो सिस्टर है या डॉटर है, तो उनको काफ़ी चांस हो जाते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब उसकी उनको चांस है कि कैंसर नॉर्मल पर्सन की तुलना में उनको ज़्यादा हाई रिस्क है। जैसे अपने को पता है जो कैंसर डे है वो कब मनाया जाता है, कैंसर डे अपने को 4 फरवरी को मनाया जाता है हर ईयर में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कैंसर सेल के। करेक्टरिस्टिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो कैंसर सेल है, नॉर्मली मैनर में डिवाइडेड और मल्टीप्लाई होती है। जो कैंसर सेल होती है वो नॉर्मली मैनर में डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई
कैंसर से यूजुअली लार्ज न्यूक्लियर जो कैंसर सेल होती है वो एक तो बड़ी होती है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, जो कैंसर से एपरियंस है जो उसकी ग्रोथ एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं, जो कैंसर सेल है वो डिफरेंट साइज एंड शेप की होती है, उनका जो साइज एंड शेप डिफरेंट होता है, और कैंसर सेल जो होस्ट होस्ट की बॉडी पर जो स्पेस जैसे न्यूट्रिएंट है तो इन मतलब जो बॉडी है उस पर इनटेक कर लेती है होस्ट सेल की बॉडी से, उसको जो उसको क्या कहते हैं अपने कहते हैं तो उसको उसकी ग्रोथ जो होती है उसको वीक कर देती है, जो कैंसर सेल जो ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें समझने में और उसकी जो नॉर्मल सेल है उसको कंप्राइज करती है, और जो कैंसर सेल होती है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रेक डाउन होकर ब्लड या लिम्फ में नहीं पहुँचे तो वहाँ पहुँच जाती है, उनकी जो ग्रोथ है वहाँ की स्टार्ट हो जाती है, उसको अपन मेटास्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम एक वार्निंग साइन है, इसको अपन क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन CAUTION, क्वेश्चन मतलब जो कैंसर पेशेंट होगा उसकी चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट चेंज हो जाएगी, जो पेशेंट की जो मॉर्निंग में मतलब उसको यूरिनेशन और जो वॉश आउट मतलब पेशेंट बाउल एंड ब्लैडर हैबिट चेंज हो जाएगी, फिर उसका अ सोर डेड नो हील, जो उसके जो घाव है वो हील नहीं होगा, यू मतलब यूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होगा, अगर पेशेंट के ब्लीडिंग होगी तो यूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होगा पेशेंट को, टी मतलब थिकनिंग ऑफ लम इन ब्रेस्ट एज इजी वेयर, जो ब्रेस्ट के अंदर है जो उसमें पेशेंट को लम उसके अंदर थिकनिंग देखेगी जो लम होगा, आई के अंदर इनडाइजेशन एंड डिस्फेजिया मतलब उसको पेशेंट को खाने में मतलब सॉलोइंग करने में निगलने में दिक्कत होगी, ओ मतलब ओवियस चेंजेस ऑफ वाट एंड मोल, पेशेंट को इसमें चेंजेस होगी, एंड मतलब नेगिस कफ एंड हॉर्सनेस, जो पेशेंट को कफ एंड उस हॉर्सनेस ऐसी उसकी वॉइस होती। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन या मैनेजमेंट हो सकते हैं कैंसर पेशेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक साइटोटॉक्सिक एग्जामिनेशन या अपन पेपिस्मियर करवा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर द कैंसर के लिए, पेशेंट की कोई टिश्यू या बायोप्सी ले सकते हैं, कार्सिनोजन या एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करा सकते हैं पेशेंट को लंप या कोई लिम्फ नोड या कोई अगर ये सेल्फ जो फीमेल है वो खुद का भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है, मेमोग्राफी करवा सकते हैं, टोमोग्राफी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सोग्राफी पेशेंट का करवा सकते हैं, देन अपन MRI करा सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे, USG करा सकते हैं, प्रोटोस्कोप एंड सिग्मेटोस्कोप एग्जामिनेशन करा सकते हैं, बेरियम एनिमा टेस्ट करा सकते हैं, रेडियो आइडोट्रॉपिक स्टडी करा सकते हैं। अपन ने देखा कि इसमें एक स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम और होता है, उसको अपन TNM पैथोलॉजिकल या स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, T मतलब प्राइमरी ट्यूमर, N मतलब रीजनल लिम्फ नोड और M मतलब मेटास्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं T0 मतलब होता है नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, मतलब पहले कोई एविडेंस नहीं अपने को इसको प्राइमरी ट्यूमर है या नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं T1 T2 T3 T4 जो होता है जो प्रोग्रेसिव स्टेज, जैसे T0 के अंदर नो एविडेंस ऑफ कोई प्राइमरी ट्यूमर नहीं है, T3 T4 के अंदर अपने को इसको प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, जो ट्यूमर होता है उसकी प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, T1 के अंदर जो ट्यूमर का साइज होता है उसमें T1 के अंदर इंक्रीज ऑफ द जो ट्यूमर का साइज है वो इंक्रीज होता है, T2 के अंदर अपन ने देखा ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन 5 सेंटीमीटर, जो ट्यूमर का साइज है वो मतलब 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा होता है और जो 5 सेंटीमीटर उससे कम होता है। जो T3 ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं उसके अंदर पेशेंट जो ट्यूमर का साइज होता है वो 3 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर या मोर देन 5 सेंटीमीटर हो सकता है। जो T4 होता है ट्यूमर एनी साइज डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द चेस्ट वॉल और स्किन, इसके अंदर एडिमा और अल्सरेशन ऑफ द स्किन मतलब जो पेशेंट है उसका जो अपन ने देखा TNM की फुल फॉर्म होती है, टी मतलब प्राइमरी ट्यूमर, एन मतलब रीजनल लिम्फ नोड और एम मतलब मेटास्टेसिस।
फिर अपन ने देखा T0 मतलब TX बोल सकते हैं, इसके अंदर ट्यूमर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई नहीं होता अपने को TX के अंदर, T0 के अंदर टू एविडेंस ऑफ द ट्यूमर। फिर अपन ने T1 T2 T3 T4 देखा, इसमें जो प्रोग्रेसिव स्टेज होती है वो बढ़ती है ट्यूमर की। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं NX, N0, N1, N2, N3, ये भी ऐसे ही है। इसके अंदर भी कोई लिम्फ नोड, TX के अंदर रीजनल लिम्फ नोड, T0 के अंदर जो रीजनल लिम्फ नोड है वो मेटास्टेसिस, N1 के अंदर मेटास्टेसिस, N2 के अंदर, N1 इज़ अ फिक्स अनदर स्ट्रक्चर, N2 का इन्वॉल्व इन मेमी MX और डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ट्यूमर मेलिग्नेंट, ट्यूमर पेल्पेबल एंड लिम्फ नोड। जैसे स्टेज अपन ने जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, G1 होता है, G2, G3, G4। G1 जो होता है उसमें डिफर जो स्लाइटली फ्रॉम द नॉर्मल सेल, जिसको मिड डिस्प्लेसिया बोलते हैं, जिसमें जो सेल का साइज है वो बढ़ता है। G2 जो होता है, जो सेल्स आर द मोर एबनॉर्मल होती है, मॉडरेटली डिस्प्लेसिया होती है। जो ग्रेड थर्ड होती है उसमें वेरी एबनॉर्मल एंड पुअरली डिस्प्लेसिया होता है। और ग्रेड फोर्थ के अंदर इमेच्योर, कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट कर सकते अपन एनाप्लेसिया को। फिर अपन बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज कंडीशन, जिसमें ग्रेड स्टेज जीरो, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड। जो स्टेज जीरो होती है उसमें जो कैंसर इन सेटू होता है, मतलब जो एक ओरिजन है वहाँ पे ही वो डेवलप हुआ है। फिर स्टेज फर्स्ट होती है, उसके ऊपर ट्यूमर लाइकली टू द टीसू ऑर्गन, जो आसपास का वहाँ पे लिंक हो गया। फिर वो लोकल एरिया में स्प्रेड करेगा, तो वहाँ के आसपास में फिर वो एक्सटेंसिव होता है, लोकल रीजन पे स्प्रेड करेगा। फोर्थ स्टेज होती है, उसमें वो मेटास्टेसिस डेवलप हो जाता है पेशेंट। अपन इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए इसको प्रमोटिंग रिसर्च करेंगे, पब्लिक एजुकेशन देंगे, कंट्रोल एंड कार्सिनेजर्स जो फैक्टर है एजेंट उनको रिमूव करेंगे, और पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, फिर इसमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए अपने प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं और जो उनको मतलब मोटिवेट करेंगे कि वो स्मोकिंग को छोड़े। जैसे 80% जो केसेस परसेंटेज है जो लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मोकिंग में। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अपन क्या करेंगे, जो ओबेस पेशेंट हैं, ओबेस पेशेंट में कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, UTI, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हाई फैट डाइट लेते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर के चांसेस होते हैं। जो फैट डाइट बैलेंस में रखते हैं और जो हाई फाइबर डाइट नहीं लेते तो उनके चांसेस डिक्रीज होते हैं कोलन कैंसर के। जो विटामिन है, विटामिन सी रिच फूड में लेते हैं, उनके लैरिंग्स, इसोफेगस एंड लंग कैंसर के चांस इनसे बचाया जा सकता है। फिर अपन देखते हैं कि अल्कोहल और जो सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू लेते हैं उनके माउथ में लैरिंग्स, थ्रॉट, इसोफेगस एक्सेट्रा कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि जो सनलाइट के अंदर रिसेंट जो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला है अपने को कि जो सन एक्सपोजर होता है उसमें मेलानोमा प्रेजेंट होता है, उससे जो मेजर फैक्टर होते हैं इसमें इंसिडेंस उसमें ज़्यादा केसेस में पाया जाता है। फिर अपन देखते हैं हार्मोनल थेरेपी क्या होती है। हार्मोनल के अंदर ये होता है कि जो मेनोपॉज के जो सिम्टम आते हैं अपने, जैसे उसको ट्रीट करते हैं मेनोपॉज, कोई फीमेल गर्ल है या लेडी है तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं उससे उसके रिस्क होता है आगे जाके कि एंडोमेट्रियम कैंसर मतलब चांसेज होते हैं। और अपन नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन के अंदर एक्सरे में जो रेडिएशन के अंदर जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है एक्सरे के अंदर उनको चांसेज है, उनको मतलब मिनिमम एक्सपोज होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर अपन ने देखा कि उसमें नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रियल एजेंट होते हैं सच एज निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया,
एक्सेट्रा, जो उनके चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं कैंसर के। सेकंड अपन देखते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है, इसकी 3 स्टेजेस होती है, मतलब इसके 3 टेस्ट द्वारा कोलोरेक्टल कैंसर जो पेशेंट है उनको अर्ली अपन डायग्नोसिस कर से उनको हेल्पफुल, और जो विदाउट जैसे 40 मतलब जो 40 ईयर के बाद जो पेशेंट उनको फिजिशियन को एक बार अपना रेक्टल एग्जामिनेशन ईयरली में 1 बार चेक करवाना चाहिए। अगर जो 50 साल से एक्सीड है पेशेंट उनको 1 साल में अपना स्टूल सैंपल चेक करवाना चाहिए, तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोलन कैंसर तो उसको अर्ली स्टेज अपन ट्रीट कर सकें। अगर 50 ईयर से ऊपर कोई लोग है तो उनको 3 या 5 साल में एक बार अपना सिग्मेटोस्कोपी करवा के, और मतलब एक्टल एग्जामिनेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपने लिए अच्छा है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं जनरल ट्रीटमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कैंसर। इसके अंदर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो कैंसर है वो इनक्यूरेबल है, उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता या कोई भ्रांति है, तो इस वजह से जो कैंसर है इसमें नई नई स्टडी हो रही है, टेक्नोलॉजी तो इसमें ट्रीटमेंट है कैंसर के, क्यूरेबल ट्रीटमेंट है, जैसे कैंसर स्टैंडर्ड है, जैसे अपने सर्जरी द्वारा इसको अपने रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो सर्जरी के अंदर अपन इनको प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, रिकंस्ट्रक्टिव एंड पैलेटिव केयर सर्जरी देते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि इसमें जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो अपने सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं, तो सर्जिकल रिमूवर जो उसकी पोटेंसी होती है, जो डेंजरस मोल एंड उसके जैसे कोलोरेक्टल पॉलिप्स होता है, तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें डायग्नोस्टिक सर्जरी के अंदर जो टिश्यू सैंपल लेते हैं उसमें डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग, जो पेशेंट इंसिजन एंड एक्सीजन ऑफ द नीडल द्वारा बायोप्सी लेके और उसका एक्सीजन मतलब जांच के लिए भेज सकते हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी। फिर अपन इसमें क्यूरेटिव सर्जरी देखते हैं। क्यूरेटिव सर्जरी के अंदर पेशेंट को मेटास्टेसिस होने से पहले जो मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करना, उसको अपन क्यूरेटिव सर्जरी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर ज़्यादातर पेशेंट में क्यूरेटिव सर्जरी के बाद में रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है, क्योंकि उसमें पेशेंट को इम्प्रूव ऑफ द लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव, रिकंस्ट्रक्शन अपीयरेंस और उसके मैक्सिमम, इसके लिए अपन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें पैलेटिव सर्जरी के अंदर ये कैंसर जो सेल का टोटल रिमूवल हो जाता है या डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पॉसिबल होता है, जिसमें सिम्टम पेशेंट को रिलीव करना, इसमें सच ऑफ द पेशेंट की जो ऑब्स्ट्रक्शन या कंट्रोलिंग उसको पेन को रिलीव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अपन रेडियोथेरेपी के अंदर जो आयोनाइजिंग एजेंट के द्वारा जो कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको, उसकी जो सेल्स होती है उनको ये रोकता है जिससे डैमेज करता है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर यूजुअली हाई एनर्जी जो एक्सरे मशीन से फ्रिक्वेंसी पेशेंट के ऊपर हाई एनर्जी के द्वारा रेडिएशन एडमिनिस्टर करवाया जाता है, उसको अपन एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल के अंदर स्पेशली जो प्रिपेयर रेडियो आइसोट्रॉपिक ट्यूमर डायरेक्टली उसके अंदर आसपास जो उसके सिस्टम सर्कुलेट में रखे हैं वहाँ पर जाता है, उसमें उसके जो सोर्स होते हैं उसको इंजेक्टेड या ओरली एडमिनिस्टर कराया जाता है। नेक्स्ट अपन कीमोथेरेपी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये या तो सर्जरी या रेडिएशन के साथ साथ दी जाती है। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर डिस्ट्रप्शन ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सेल बाय एसेंशियल बायोकेमिकल्स या प्रोसीजर, उसमें कंट्रोल या इराडिकेशन ऑफ द जो मैलिग्नेंट सेल होती है उनको पॉसिबल किया जाता है। आज जो कीमोथेरेपी में कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर पोटेंशियल या डेवलपमेंट रेजिस्टेंट सेल्स होती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इम्यूनो या बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ल्यूकेमिया जो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, इसमें जो हैविंग 50% ऑफ द क्यूरेबल रेट है वो इसमें 3 ईयर या पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद में। इसमें बोन मेरो में ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रोसीजर क्या होता है, इसमें अपन पहले जैसे पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे और अपन उसको डोनर ढूंढेंगे, फिर यूजुअली जो उसमें सिबलिंग या पेशेंट को फाइंड आउट या अनरिलेटेड कोई डोनर होगा उसको अपन लेंगे, फिर पेशेंट की कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो इंड्यूस होगा इम्यूनो सप्रेशन देंगे, जो इराडिकेट जो ल्यूकेमिया सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करेगा, और जो डोनर है उसको अपन जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा 500 ml to 800 ml ब्लड या बोन मेरो एस्पिरेट करेंगे पेशेंट में। फिर उसके बाद में बोन मेरो जो हिपेरिन के साथ मिक्स होकर
रिसिपिएंट को अपन आईवी के द्वारा एडमिनिस्टर करवाया जाता है, इस तरह अपन इसको बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। आज अपन ने डिस्कस किया कैंसर क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अपने केयर के